तो हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमने लास्ट क्लास में आपके साथ बात कर लिया था लिस्टेशंस के बारे में। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन एडिंग्स के बारे में। अब एडिंग्स क्या है? एडिंग्स जैसे आप अपने कंप्यूटर के अपने मोबाइल फोन में कुछ प्री डिफाइंड एप्स होते हैं, और कुछ नए एप्स के लिए आप क्या करते हैं, नए एप्स के लिए आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहां से डाउनलोड करते हैं। सेम थिंग यहाँ कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो गेट एडिंग्स पे क्लिक करेंगे, जहाँ स्टोर में जाएगा कुछ पेबल और कुछ फ्री एडिंग्स होंगे, मतलब कि फीचर्स होंगे, उस फीचर्स को आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जैसे इमोजी वगैरह हो गया डालना, और बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। जैसे एडिटर है, एडिटर में देख सकते हैं, कुछ फ्री है, कुछ सेमी फ्री है, समझ गया ना सर? इसको आप यूज कर सकते हो, वो आपके एक्सेल का पार्ट बन जाए। जैसे यहाँ पे देखे ना, सब्सक्राइबर राइटर असिस्टेंट, सब्सक्राइब राइटर, हम इसको ऐड कर लिए। यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, तो यहाँ पे दिख रहा है सब्सक्राइब आ गया सर। जी सर। अब यहाँ पे अकाउंट साइन इन करने के लिए बोल रहा है। साइन इन करने के बाद जो फीचर्स वगैरह है, वो तो फीचर्स वगैरह आप यहाँ लोड कर। जी उसके बाद अगर मैं यहाँ आता हूँ, अब मुझे हटाना है, ये दिख रहा है ना आपको, ये हटाना है, तो कस्टमाइज द रिमन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप देखिए ये रहा कमांड ग्रुप दिखा ना सर, इसको यहाँ से जी रिमूव कर। हट गया तो सर सर, इसका इसका नाम नाम अलग था एंड अलग देन था, आपने नहीं जो वही था, रिमूव किया ग्रुप वो था वो। कमांड से रिमूव तो किया। सॉफ्टवेयर का नाम होता है, जैसे एम एस एक्सेल है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट तो एम एस भी एक्सेल भी तो होता है ना, नाम तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से हाँ चूज करते हैं। तो मैं कहने में था कि माई एडिंग से एक ऐसा चीज है, ये कुछ नई चीज आपको, जैसे क्यूआर कोड हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, विकिपीडिया हो गया, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर जो जो फीचर एक्सेल में, जैसे क्यूआर कोड नहीं है, आप क्यूआर कोड डाउनलोड कर लीजिए, या मान लीजिए कुछ और चीज भी है चीजें नहीं है, तो आप चीजें डाल सकते हैं, इसका नहीं मतलब है, मैं समझे वो अच्छा चीज़ यहाँ से ऐड करके आराम से डाल सकते। तो पहले हम लोग क्या है, हीट मैप वगैरह डाउनलोड करते थे, एक्रोबेट एक मेरा है ना, करते एक थे, डाउट ये है कि ये चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, कोई भी कोई भी ऐड ऐड करके करके अगर अगर कोई भी कोई भी चीज चीज अगर अगर उसमें उसमें डालते डालते तो तो उसका उसका यूज यूज कैसे कैसे होगा? होगा, वो यूज सामने आ जाएगा आपको। अच्छा अच्छा मैं आपको दिखा दूँ, जैसे विकीपीडिया ले लीजिए ना, विकीपीडिया है ना सर, अपने विकीपीडिया को ऐड करके कंटिन्यू कर। अब मान लीजिए मुझे किसी चीज के बारे में विकीपीडिया अपडेट करने के लिए बोला है, अपडेट कर लेता हूँ। किसी चीज के बारे में बनाना है, मतलब इरेजर दिख रहा है ना, मुझे इसके बारे में ढूंढना है विकिपीडिया। यहाँ पे देख, डबल क्लिक किया, इरेजर आ गया, और यहाँ इरेजर्स के मीनिंग आ हाँ गए, आ गए मीनिंग्स आ मीनिंग्स आ गए। गए। हाँ हम वीडियो पे क्लिक किया, यहाँ वीडियो आ गया, वीडियो से रिलेटेड चीज आ गई, हाँ आ गई ना हाँ सर। हाँ रीडिंग, समझे? ये चीजें होती है एडिंग्स। तो यहाँ गेट एडिंग्स पर चले जाइए, माय एडिंग्स जो आपने एडिंग्स डाउनलोड करके स्टोर कर रखा है उसका लिस्ट, और जो आप तत्कालिक यूज करते थे विकिपीडिया दिख रहा है, ऐसे एक दो एडिंग्स यहाँ आ जाए। उसके बाद अच्छा इसमें बात करते हैं हमारे ऑनलाइन वीडियो के बारे में। जैसे मुझे यहाँ कोई वीडियो ऑनलाइन इंसर्ट कर, तो क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ वीडियो ऑनलाइन डालने का एक लिंक होता है। जैसे मान लीजिए, URL हाँ मान लीजिए हमने यूट्यूब गया, और यूट्यूब से हमने जो है वॉचेबल सेवेबल लिंक को यहाँ पे कॉपी करके डाय पेस्ट कर दिया, और यहाँ इंसर्ट। जी अच्छा ये सपोर्ट नहीं कर, ये वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा, यूट्यूब का वीडियो सपोर्ट डायरेक्ट नहीं कर।
का वीडियो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं, अब यहीं पे दिख गया। अब यहाँ तो ऑनलाइन वीडियो में अगर मान लीजिए वीडियो लिंक नहीं है, लर्न अबाउट वीडियो में एक्सेल हेल्प हो जाएगा। YouTube से वीडियो लाने का कुछ YouTube सपोर्ट तो करता है, करना करना चाहिए चाहिए सर। सर। हाँ ओके 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 वो बेसिकली आप डबल क्लिक करके जो ऊपर डालते हैं वो चीज़ नहीं आएगी सर। वो जब किसी वीडियो को शेयर करते हैं ना, हाँ तो शेयर करते समय जो लिंक बनता है वो डालना होता है। वॉच करते समय जो अच्छा ऊपर यूआरएल आता है वो नहीं डालना होता। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ समझ गया। गया। तो आपको वीडियो को पहले नीचे जाके शेयर करना, शेयर करते समय जो लिंक आता है उसको यूज करना। ओके ओके। ओके उसके बाद यहाँ इंसर्ट में आते हैं। ऑनलाइन वीडियो के बाद आता है लिंक और बुकमार्क। लिंक जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक जो वर्ल्ड है, अगर मैं इस पे राइट इंसर्ट पे जाऊँ और यहाँ लिंक पे क्लिक करूँ, तो यहाँ आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे google.com, ठीक है सर, हमने कर दिया एंड ओके कर दिया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही google.com खुल जाएगा। ओके अच्छा ओके उसके अलावा बुकमार्क होता है। अब जैसे होता है ना आपको कि आप बहुत सारे टेबल ऑफ कंटेंट और बुकमार्क बनाते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे हम आते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेव टाइम, और इसको हम कर देते हैं बुकमार्क, और बुकमार्क में हम इसको कर देते हैं ऐड। इसका नाम दे दीजिए सेव टाइम, अब इसको टाइम यहाँ से ऐड कर दो। ओके अच्छा, फाइल सेव है, फाइल सेव करना पड़ेगा सर। आ गया सर, ऐड हाँ हाईलाइट हो गया ना, पहले हाईलाइट नहीं हो रहा था। और स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके अब मुझे जाना है, स्पेस मुझे नहीं होगा। हाँ ना, अब मुझे जाना है तो जैसे करेंगे यहाँ पे करेंगे गो टू, तो हम वहाँ पे पहुँच जाए। तो आप अपने पेज के बहुत सारे जहाँ जहाँ आपको बराबर जाना रहता है वहाँ वहाँ बुक मार्क का यूज कर सकते हो। अच्छा अच्छा जहां जहाँ जहां जहाँ बार 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 जाना जाना रहता रहे। है। जी अच्छा ठीक है। कमेंट अगर किसी के बारे में, जैसे मैं यहाँ लिखा डिफरेंट गैलरीज लिखा हुआ है, तो यहाँ कमेंट पे क्लिक कर देते हैं।
और इसमें जो डालना डाल दीजिए कि दिस इज न्यू फीचर्स, ठीक है, हम्म, तो न्यू फीचर्स, ओके, कमेंट ओके। यहाँ, फिर यहाँ से आप कमेंट और यहाँ से आप इसको रिजॉल्व कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है, देख भी सकते हैं अच्छा और अच्छा हटा भी सकते हैं, तो रिजॉल्व जैसे होता है आपने कुछ बनाया और आप जगह जगह पे गलतियाँ चाहे क्वेश्चन मार्क है इस तरह का आप लगा हाँ देंगे हाँ जो हाँ ओपन करेगा और जिसको उसने सॉल्व कर दिया वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो कमेंट में आते हैं। अब आता है हीडर एंड फुटर, जब प्रिंट आउट लेते हैं तो ऊपर टॉप में जो हीडर और जो बॉटम में फुटर होता है ना उसकी एक बार बात कर लेंगे। तो हीडर यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, जैसे हीडर पे ये आपका हीडर आ गया। अब आपका हीडर कैसा चाहिए, वन सिर्फ नंबर में चाहिए या तीनों में होना चाहिए या कोई ब्लैंक होना चाहिए, तो मान लीजिए मैं तीनों हाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो तीन आ गए। अब इसमें क्या क्या डालना है, ऊपर मेथड दिख रहा है, जो डालना चाहे आप यहाँ दे सकते हैं, अगर कुछ टाइप करना चाहे तो टाइप कर सकते अच्छा हैं, ठीक है। यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर मैं अगर नीचे फुटर में, दे। फुटर में आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया पेज, यहाँ पे डाल दिया पेज, ठीक है, पेज इंच नंबर पेज हाँ नंबर, यहाँ पे आप यहाँ पे टॉप पेज में जहाँ डालना टॉप में डालना बॉटम में किस पे डालना, टॉप टॉप तो टॉप सर फिर उसमें आ उसमें जाएगा आप ना, बॉटम हेडर में आ पेज, हाँ जाएगा। बॉटम पेज ऐसा डालना है इस तरह से, वन पेज टू पेज दिख रहा है ना, टू पेज आ गया, हाँ इस तरह से डाल सकते। तो यहाँ ऊपर दिए गए मेथड का आप इस्तेमाल करके बाद देखिए, क्लोज हेडर कीजिएगा हट जाए, ठीक है, हाँ ये आप हीडर एंड फुटर डाल सकते हैं अपने डेटा सिंपल, या हीडर फुटर डायरेक्ट पेज नंबर करते पेज नंबर आया, टेक्स्ट बॉक्स मैंने बताया ही था। हाँ इसके बाद आता है क्विक पेयर्स, ऑटो टेक्स्ट होता है इस तरह के, एस के सुजीत कुमार ऐसे ऑटो टेक्स्ट वगैरह आप डाल सकते हैं, ओके, बिल्ड क्विक ऑर्गेनाइज, आप हाँ कुछ बनाना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, कुछ नया फीचर्स जो लेंगे वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ताकि बार बार आपको लिखना ना पड़े। उसके बाद वर्ड अच्छा आर्ट है, अगर आप मान लीजिए कुछ टाइटल वगैरह डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि टाइटल अच्छा हो तो आप यहाँ पे वर्ड आर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड आर्ट यहाँ लिख दीजिए IPT एक्सेल स्क्रीन, और इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है जहाँ से इस तरह का फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, इसकी भी सब फॉर्मेटिंग, जैसे आपने इसकी फॉर्मेटिंग इमेज की फॉर्मेटिंग की है ना, सेम इसकी भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर हाँ सकते हैं, कुछ चेंज नहीं, वर्ड आर्ट के यहाँ पर आता है, यहाँ पर ड्रॉप कैप कि आपका लेटर कैसे लिखना शुरू होगा, ठीक है, ठीक है सर, ड्रॉप कैप हम्म, ये लिख सकते हैं, सिग्नेचर लाइन आप सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सुजीत कुमार और ओके कर, अब इस तरह का लाइन बनाएगा, अब इसको कहीं जहाँ रखना वहाँ रख लीजिए कि भाई यहाँ पे सुजीत कुमार अच्छा लिखना चाहिए, होता है ना क्रॉस करके, ताकि पता चले कि हाँ 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 भाई हाँ यहाँ हाँ साइन यहाँ करना है, बताना ना पड़ेगा कि यहाँ साइन को यहाँ साइन को यहाँ साइन करो। उसके बाद डेट एंड टाइम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं कि आप डेट टाइम को किस फॉर्मेट में इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ इक्वेशन है, इस तरह के इक्वेशन वगैरह इंसर्ट करना चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर उस इक्वेशन में देख के ऊपर जो चेंजिंग करने वाला है वो चेंजिंग भी कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिक्स वगैरह बना रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं यूज़ इक्वेशन में, कर सकते सैम्बुल इक्वेशन के अलावा जो सैम्बुल्स हैं वो सैम्बुल्स आप यहाँ पे तो कीबोर्ड में नहीं होते हैं वो आप यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं, ठीक ठीक है। है। तो यहाँ हमने इंसर्ट मेनू बार को किया खत्म, एक बार आपने से प्रैक्टिस कर लें, कल हम डिजाइन और लेआउट दो मेनू बार को खत्म करेंगे, ठीक है, ओके okay। उसके बाद रेफरेंस भी खास नहीं है, मेलिंग आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मेलिंग पे थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे। ओके okay।